गुड इवनिंग आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी संस्थाओं द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लासेज में आपको इंट्रोडक्शन आपने समय देखा है कि कौन सा विद्यालय कौन से संस्था प्रधान है जो इस क्लास को चलाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। वैसे विद्यार्थियों, आज हम अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं कि हमने विज्ञान का पाठ शुरू किया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, फिर उसके परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े। उसके बाद में हमने रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां पढ़ी, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पढ़ी, रासायनिक समीकरण की कमियां पढ़ी और उसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़े। और प्रकार में हमने पहला प्रकार पढ़ा था रासायनिक संयुग्मन अभिक्रिया, इनकी दो तत्वों के मेल से एक नया तत्व बनना संयुग्मन या संयोग या क्रियाशील या क्रियात्मक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम दूसरा जो दूसरा है प्रकार वो पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको नाम से ही पता चलता होगा कि किसी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान लेना विस्थापन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे अभिकारक के समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना तथा उसके स्थान पर विस्थापित करना तथा उसके स्थान पर खुद का आना विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा होती है। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु को दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापित करना तथा नया पदार्थ बनाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक पदार्थ था ए बी और एक अभिकारक ए बी है और एक अभिकारक सी था, यहाँ से अभिक्रिया कराई तो सी ने इस बी को प्रतिस्थापित करके ए सी और बी को अलग कर दिया, इनकी बी का स्थान सी ने ले लिया। तो एक अभिकारक था ये और दूसरा अभिकारक था ये, इस दूसरे अभिकारक द्वारा इस अभिक्रिया के एक परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया और नया पदार्थ बन गया ए सी और बी। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण है CuSO4 अभिक्रिया ZN से कराते हैं तो ZnSO4 प्लस CU, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं तो जिंक सल्फेट का विलयन बनता है और कॉपर है वो पृथक हो जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु के टुकड़े डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु के टुकड़े डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग
विलुप्त हो जाता है। क्यों? यानी कि हमारा प्रश्न आता है, कई कई बार ऐसा प्रश्न आते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो विलुप्त यानी कि गायब हो जाता है। क्यों? तो इसका आंसर होता है क्योंकि कॉपर को जिंक धातु विलयन से पृथक कर देती है, पृथक करके जिंक सल्फेट का विलयन बना देती है तथा कॉपर का निष्कासन हो जाता है। यानी कि अपने को प्रश्न में पढ़ते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो विस्थापन अभिक्रिया थी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित करना या परमाणु द्वारा विस्थापित होना और नया पदार्थ का निर्माण होना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो यहाँ से क्या होता है कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें ये जिंक धातु तो मिला ही, तो जिंक धातु ने इस कॉपर को यहाँ से प्रतिस्थापित करके क्या बना दिया, प्रतिस्थापित करके बना दिया ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और ये कॉपर यहाँ से अलग हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन यानी ये विलयन था, ये था नीला, इस नीले विलयन में जब जिंक धातु मिलाई तो जिंक ने कॉपर का पृथक्करण कर दिया और इस नीले रंग को यहाँ से गायब कर दिया। तो प्रश्न पूछा था नीला रंग गायब क्यों होता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, और अधिक क्रियाशील का मतलब होता है कि जैसे दो बैल लड़ाई करते हैं और दो बैलों में से जो बैल अधिक पावरफुल बैल होगा वो कमजोर बैल को मैदान से बाहर खदेड़ देता है। तो इसी प्रकार जिंक और कॉपर आपस में लड़ाई करते हैं, इनकी क्रिया करते हैं, और जिंक अधिक पावरफुल होता है कॉपर की तुलना में और वो कॉपर को यहाँ से पृथक कर देता है और सल्फर के साथ में खुद क्रिया करके कॉपर जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को निकाल देता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रमुख तत्व है जिनके क्रियाशीलता है कि कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है, तो मैं उनका आपको एक सीक्वेंस लिखा देता हूँ जो आप लिख लीजिए। क्योंकि अभिक्रिया में जरूरी नहीं कि ये अभिक्रिया पूछे कि और अभिक्रिया हो जाए, आपको पूछे कि इन दोनों में से अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो होता है पोटेशियम, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम के बाद में अगला तत्व होता है वो होता है सोडियम, जो पोटेशियम से थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है सोडियम, जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम के बाद में आता है कैल्शियम, जिसे हम Ca से प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम के बाद में आता है जिंक, मैग्नीशियम के बाद में जिंक Zn। जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन का आपका होता है Fe। आयरन के बाद में आता है लेड, लेड का होता है Pb। लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है H। हाइड्रोजन के बाद में आता है कॉपर, कॉपर का होता है Cu। कॉपर के बाद आता है मर्करी या पारा कहते हैं हम, मर्करी Hg। मर्करी के बाद में आता है सिल्वर, जिसे हम चांदी कहते हैं सिल्वर Ag। और सिल्वर के बाद में आता है गोल्ड, गोल्ड को कहते हैं हम Au। तो ये आपका क्रियाशीलता का घटता क्रम है, कैसा क्रम है, घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम।
यानी कि आपको पूछे कि इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम से थोड़ा कम होता है कैल्शियम, कैल्शियम से थोड़ा कम क्रियाशील मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम होता है जिंक, जिंक से कम आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड का था AU। तो ये आपके कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में काम आएंगे, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ही, और विस्थापन अभिक्रिया में एक होती है जो सिंगल विस्थापन करती है, एक मतलब द्वि विस्थापन, यानी कि दो तत्व होते हैं परमाणु अभिकारक, जो अभिकारक होते हैं उसमें पहले में भी दो परमाणु होते हैं, दूसरे में भी दो परमाणु होते हैं, दोनों अभिकारकों के एक एक परमाणु आपस में संयोग करके एक एक परमाणु का विस्थापन कर देते हैं और दो नए पदार्थ बनते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। द्वि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं, अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगली हेडिंग है हमारी, वो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के दोनों परमाणु दूसरे अभिकारक के दोनों परमाणुओं द्वारा विस्थापित होकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो पदार्थ, पहला अभिकारक जिसमें दो परमाणु थे AB, दूसरे में थे CD, अभिक्रिया होके बन गया AC+BD। तो यहां से क्या हुआ, A और C इसने क्रिया कर ली और A और D ने आपस में प्रतिस्थापन क्रिया कर ली और दो नए पदार्थ बना लिए। इसी प्रकार से एक हम उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण है इसका वो है CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस 2NaOH, 2NaOH इनकी अभिक्रिया कराई तो हमें कॉपर सल्फेट के विलयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की जब अभिक्रिया कराई तो हमें CaOH का ऑल्ट्राइज तथा CaOH का ऑल्ट्राइज तथा Na2SO4 प्राप्त हुआ। यानी क्या हुआ, जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये कॉपर है, कॉपर इस दो परमाणुओं से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करके आपका सोडियम सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आपका कॉपर और ये आपस में क्रिया कर लेते हैं और सल्फर का नाइट्रोजन के साथ संयोग होता है, कि कॉपर ने सल्फर को नहीं सॉरी हाइड्रोक्साइड ने सल्फर का विस्थापन कर लिया और अपना स्थान ले लिया, और इस सल्फर ने इस हाइड्रोक्साइड का विस्थापन कर लिया और अपना स्थान ले लिया और दो नए पदार्थ बन गए। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में हमारी अगली आती है वो आती है अपघटनीय अभिक्रिया। तो अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद में दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि कोई अभिकारक था, या तो उसको हम गर्म करते हैं तब टूटेगा, या उसके अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे, ताप दाब या कुछ और उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तो उसमें विस्थापन होगा, सॉरी अपघटन होगा। और अपघटन होने के बाद में उससे कोई एक पदार्थ या दो पदार्थ या तीन पदार्थ, कुछ भी दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हो उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं तो है कोई ऐसे पदार्थ है ए बी, ये कोई एक अभिकारक था और ये टूट करके ए और बी में बंट गया, तो इसका एक अभिकारक था टूट करके दो उत्पाद बन गए अलग अलग, तो ये अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार, तो अपघटनीय अभिक्रिया के तीन प्रकार है। पहला प्रकार होता है इसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। दूसरा होता है इसका तापीय अपघटन, और तीसरा होता है इसका उष्मीय अपघटन। तो इस प्रकार से अपघटनीय अभिक्रिया के तीन प्रकार है, विद्युत अपघटन, तापीय अपघटन और उष्मीय अपघटन। जैसा कि आपको नाम से ही इसका पता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका अपघटन, जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक का अपघटन गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से होता हो, यानी कि इसका जो अपघटन है वो विद्युत धारा के द्वारा होता है, यानी कि जिसमें हम करंट देंगे तो वो उसका अपघटन होगा, तो उस अपघटन को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। ऐसा अपघटन जो किसी प्रकार के यौगिक प्रकाश ऊर्जा के साथ, प्रकाश ऊर्जा से इनकी कोई भी, जैसे सूर्य के प्रकाश से या अन्य किसी प्रकाश के संपर्क में आता है, तो प्रकाश ताप ग्रहण करके जो अपघटन करता है उसे हम प्रकाश ऊर्जा से होता है ये, और ये होता है उष्मीय अपघटन, उष्मा पाकर के अणुओं का टूटना, इनकी किसी चीज को गर्म करते हैं तो उष्मा पाकर के जो अभिक्रियाएं होती है उसे हम अभिक्रिया, उष्मा पाकर के जो अणु टूटते हैं और नए अणुओं का निर्माण होता है उसे हम उष्मीय अपघटन कहते हैं। तो नाम से पता है कि ऐसा अपघटन जिसमें अभिकारक विद्युत धारा प्रवाहित करने से नए यौगिकों के रूप में टूटता है, ऐसा अपघटन जिसमें प्रकाश ऊर्जा से अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसा अपघटन जिसमें अभिकारक उष्मा ग्रहण करके नए पदार्थों के रूप में टूटता है उसे हम उष्मीय अपघटन कहते हैं। इन तीनों के उदाहरण में आपको लिखवा देता हूँ, आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तापीय अपघटन का उदाहरण बताओ या उष्मीय अपघटन का उदाहरण बताओ या विद्युत अपघटन का उदाहरण बताओ। तो पहले मैं आपको लिखता हूँ विद्युत अपघटन के उदाहरण, विद्युत अपघटन के उदाहरण। तो विद्युत अपघटन का उदाहरण है वो है 2H2O, यानी कि इस जल के अंदर जब विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 2H2+O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया है 2NaCl। इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na 2Na प्लस Cl2 दो नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें से आपको पता है कि Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, H प्लस होता है, OH माइनस, यानी कि तो ये अलग अलग होते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि प्लस वाले हैं वो माइनस के ऊपर जाके विद्युत में, जब विद्युत अपघटन का मतलब होता है तो विद्युत के दो वायर डालेंगे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जिस वो धनावेश है वो धनावेश के साथ मतलब ऋणावेश के साथ जुड़ जाएगा, और जो ऋणावेश है वो धनावेश से जुड़ जाते हैं और दोनों ही पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार अपना उष्मीय अपघटन का उदाहरण होता है वो होता है CaCO3। जब CaCO3 को गर्म करते हैं उष्मीय अपघटन, CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO प्लस O2, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब इसका अपघटन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यह गर्म होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, इसे हम कहते हैं उष्मीय अपघटन। और अगला आता है तापीय अपघटन का उदाहरण होता है वो होता है आपका तापीय अपघटन। और तापीय अपघटन का उदाहरण है वो है 2HBr। 2HBr इसकी जब अभिक्रिया करेंगे तो H2 प्लस Br2 माइनस में बन जाते हैं। 2HBr का मान होता है ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जब हम क्या करते हैं तापीय अपघटन करते हैं, इनकी ऊर्जा देते हैं तो अणु में टूट जाता है। इस प्रकार अगला टॉपिक है हमारा वो है मंद व तीव्र अभिक्रिया, और इन दोनों के नाम से आपको पता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कम समय में पूरी होती है उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जो अधिक समय में पूर्ण होती है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। आती है तीव्र अभिक्रिया, एक है आपकी मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत ही कम समय, या तो सेकेंड या मिनट, बहुत ही कम समय लगता हो उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH के विलयन में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो डालते हैं तो NaCl और H2O, यानी कि जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में NaOH प्लस HCl तो अभिक्रिया करके बन जाता है NaCl प्लस H2O। ये आपका है सारी पदार्थ, ये है HCl होता है अम्ल यानी तेजाब, और ये आपका बन गया नमक, और ये आपका बन गया जल। तो जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में HCl अम्ल डाला तो इतनी तीव्र अभिक्रिया हो गई कि तुरंत NaCl नमक और पानी अलग अलग हो गई। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कुछ सेकंड का समय लगता है, बहुत ही फास्ट अभिक्रिया होती है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। और मंद अभिक्रिया का उदाहरण होता है वो है Fe प्लस 4Fe प्लस 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6S2O अभिक्रिया बन के 2Fe 2O3 प्लस 3O2
H3H2O, यानी कि जब हम लोहे को ऑक्सीजन और जल के साथ में क्रिया कराते हैं तो Fe2O3 Fe2O3 तथा 3H2O यानी कि तीन अणु जल के बनते हैं। ये आपका सूत्र होता है, ये है आपके जंग का, यानी कि लोहे पर जंग लगती है। आपने देखा होगा लोहे का दरवाजा होता है वो धीरे धीरे बहुत ही काफी समय तक खुले में रहता है, यानी कि जब उसके ऊपर किसी प्रकार पेंट नहीं करते हम तो उसके ऊपर धीरे धीरे बरसात की बूंद, पानी की बूंद, जलवाष्प की बूंद आती रहती है, हवा लगती रहती है, धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। और ये भी किया इतनी धीरे होती है कि इसमें कई साल तक भी समय लग सकता है कि लोहे के जंग लगने के लिए। यदि इतनी फास्ट हो जाती तो हाथों दरवाजा हमारा सड़क के नीचे सड़ गल के टूट जाता, लेकिन ये अभिक्रिया बहुत ही धीरे होती है, इसलिए मंद अभिक्रिया कहते हैं। अपना अगला जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये हम पढ़ेंगे कल। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी विद्यार्थियों से एक ही निवेदन करता हूँ बार बार, जितना पढ़ाया जाता है उनको नोट्स बना के लिखते रहिए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जाम के टाइम यदि आपने मेरे नोट्स पढ़ करके एग्जाम दे दिया तो साइंस और मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने में आपकी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसका मेरे पास प्रूफ भी है, यदि किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं उस विद्यार्थी की मार्कशीट बता सकता हूँ जिस विद्यार्थी को मैंने खुद पढ़ाया था। तो आपका वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार बनाए रखें।